प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत रूस के साथ समझौतों को देगा सर्वोच्च प्राथमिकता। 8 अहम समझौते पर हुए हस्ताक्षर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रदेशवासियों से चौथी बार भाजपा सरकार को चुनने का किया आह्वान। भिलाई के चौरौदा में महिला सम्मेलन को किया संबोधित। राज्य में कल से शुरू होने वाले मीजल्स रूबेला टीकाकरण अभियान की तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। और प्रधानमंत्री आवास योजना से बस्तर के ग्रामीणों का अपना घर बनाने का सपना हो रहा साकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रूस के साथ समझौतों को सर्वोच्च प्राथमिकता देगा। आज प्रधानमंत्री श्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की उपस्थिति में नई दिल्ली में भारत और रूस के बीच 8 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इसके बाद श्री मोदी और श्री पुतिन ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इसकी शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि विश्व में तेजी के साथ बदलाव के समय भारत और रूस के बीच संबंध प्रासंगिक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक मामलों में भारत और रूस के संबंधों को नई ऊर्जा और नई दिशा मिली है। रूस के साथ अपने संबंधों को भारत सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। तेजी से बदलते हुए इस विश्व में हमारे संबंध और अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि गगनयान के लक्ष्य को हासिल करने में रूस ने भारत की मदद का भरोसा दिलाया है। इसके बाद प्रेस वार्ता को श्री पुतिन ने संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने राज्य के मतदाताओं से चौथी बार भाजपा सरकार को चुनने का आह्वान किया है। श्री शाह आज राज्य के एक दिवसीय प्रवास पर आए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कांकेर के नरहरपुर में आदिवासी सम्मेलन को संबोधित किया। वे तेंदुपत्ता बोनस तिहार में भी शामिल हुए। भिलाई के चौरौदा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित महिला महासम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि हमारी छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की नगरी है। यहां की मातृशक्ति चौथी बार राज्य में बीजेपी की सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने राज्य को नक्सलवाद से मुक्त कर शांत राज्य बनाने का कार्य किया है। श्री शाह ने कहा कि शिशु मृत्यु दर में भी काफी कमी आई है। यहां महिलाओं के हित में अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। इसके पहले धमतरी में आयोजित सम्मेलन में श्री शाह ने मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को चौथी बार विजयी बनाने का आह्वान लोगों से किया। राज्य में अब पेट्रोल और डीजल प्रति लीटर 5 रूपये सस्ता हो गया है। एक तरफ केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के मूल्य में प्रति लीटर 2.5 रूपये की कटौती करने की घोषणा की है, तो वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने भी पेट्रोल और डीजल के दाम में 2.5 रूपये तक वैट में कटौती कर दी है। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने प्रदेशव्यापी अटल विकास यात्रा के दौरान राजनांदगांव में आम सभा को संबोधित करते हुए पेट्रोल और डीजल में 2.5 रूपये वैट घटाने का ऐलान किया। बहुत अच्छी घोषणा सिकली के मैदान में करना चाह रहा हूँ, जो छत्तीसगढ़ के लिए उपयोगी होगा। और मुझे लगता है कि घोषणा मैं यहीं से कर दूं। दिल्ली अभी मेरी बात हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और दिल्ली के हमारे मंत्री से, मंत्रीगणों से। उन्होंने तय किया है कि पेट्रोलियम और पेट्रोल और डीजल की कीमत में दिल्ली सरकार ने प्रति लीटर 2.5 रूपये की छूट दी है, 2.5 रूपये की कमी की है। राज्य सरकार भी पेट्रोल और डीजल की कीमत 2.5 रूपया छूट करके 5 रूपया में बचत होगा, 5 रूपया की छूट। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि वो भी केंद्र की तर्ज पर 2.5 रूपये तक वैट में कटौती करें।
केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य में भी कल से शुरू होने वाले मीजल्स रूबेला टीकाकरण अभियान की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस सिलसिले में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की ओर से कल मंत्रालय में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। स्वास्थ्य आयुक्त आर प्रसन्ना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा कर अभियान की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने सभी जिलों को माइक्रो प्लान बनाकर काम करने के निर्देश दिए। ये टीकाकरण अभियान सभी स्कूलों, मदरसों, आंगनबाड़ी केंद्र सहित अन्य शैक्षणिक संस्थानों में चलाया जाएगा। राजनांदगांव जिले में भी स्वास्थ्य विभाग टीकाकरण की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। जिले के मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने बताया कि करीब 4.5 लाख बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। कैंपेन राजनांदगांव जिले में दिनांक 6 अक्टूबर से प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें 9 माह से लेकर 15 वर्ष के बच्चों को मीजल्स रूबेला का वैक्सीन लगाया जाएगा, जिससे दो जानलेवा बीमारी से बचेंगे। और इसकी शुरुआत 6 अक्टूबर से होगी और 21 दिसंबर तक कार्यक्रम चलेगा, जिसमें 100% बच्चों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जिला का लक्ष्य 4,59,000, जिसके लिए शिक्षा विभाग, महिला बाल विकास विभाग, पंचायत विभाग, स्वास्थ्य विभाग सभी मिलजुल कर प्रयास कर रहे हैं कि 100% बच्चों के टीके लग जाए। एक रिपोर्ट के अनुसार देश में हर वर्ष मीजल्स और रूबेला वायरस से हजारों बच्चे जानलेवा बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। इसे देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मीजल्स और रूबेला का टीका एक साथ लगाने का अभियान शुरू किया जा रहा है। अब देखिए 3:10 खबरें। राजनांदगांव में दिग्विजय स्टेडियम नए स्वरूप में बनकर तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस स्टेडियम का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने स्टेडियम में एथलेटिक ट्रैक बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बनाने से एथलेटिक्स में अच्छा माहौल बनेगा। यहां इंडोर और आउटडोर दोनों प्रकार के खेलों की सुविधा होने से खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन का मौका मिलेगा। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने मलेरिया और स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त आर प्रसन्ना ने अटल नगर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों से इस संबंध में चर्चा की। श्री प्रसन्ना ने कहा कि मरीजों से पहचान पत्र में राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस के जरिए उनका इलाज किया जाना सुनिश्चित करें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जन्मशती समारोह के उपलक्ष्य में इन दिनों धमतरी में गांधी दर्शन पर आयोजित प्रदर्शनी लगाई गई है। 8 अक्टूबर तक चलने वाली ये प्रदर्शनी सूचना और प्रसारण मंत्रालय के रीजनल आउटरीच ब्यूरो द्वारा आयोजित की जा रही है। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ विधायक गुरमुख सिंह भोरा और राज्य निःशक्त जन आयोग के अध्यक्ष सरला जैन ने किया। दुर्ग जिले के जनपद पंचायत सभागार में मतदाता जागरूकता को लेकर ईवीएम वीवीपैट का प्रशिक्षण 6 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे किया जाएगा। इसमें क्षेत्र के कुष्ठ, दिव्यांग, अशक्त व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। ये प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर द्वारा दिया जाएगा। वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के तहत राज्य भर में जन जागरूकता पर आधारित विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सुकमा में भी वन विभाग की ओर से आम लोगों को वन्य प्राणियों के संरक्षण का संदेश देने के लिए एक रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ वन विभाग के जिला वन अधिकारी के आर बढ़े ने किया। छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह केम्बो नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की बैठक में शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष गैरुल हसन रिजवी से अल्पसंख्यक छात्रवृत्तियों की प्रक्रिया के सरलीकरण की मांग की। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद छात्रों को इन योजनाओं का लाभ दिलाने राज्य सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के सिलसिले में दुर्ग कलेक्टर की अध्यक्षता में बैंकों के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कलेक्टर उमेश अग्रवाल ने बैंकर्स को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों से अवगत कराया। श्री अग्रवाल ने कहा कि बैंकर्स आयोग के निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें। राज्य सरकार ने महिला शासकीय कर्मचारियों को उनके 18 साल से कम उम्र के 2 संतानों की देखरेख के लिए संपूर्ण सेवाकाल में अधिकतम 730 दिनों का अवकाश स्वीकृत किया है। यह अवकाश एक कैलेंडर वर्ष में 3 बार ही दिया जाएगा। अवकाश की न्यूनतम सीमा 5 दिनों की होगी। इसके लिए बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र की जानकारी देना जरूरी होगा। छत्तीसगढ़ पुलिस बल में जिला पुलिस आरक्षक संवर्ग के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 30 सितंबर को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के आदर्श उत्तर जारी कर दिए गए हैं। लिखित परीक्षा के संबंध में अभ्यर्थी अपनी दावा आपत्ति 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय अटल नगर के पते पर डाक, ईमेल अथवा फैक्स के जरिए भेज सकते हैं।
जांजगीर में राज्य शालेय खेलकूद स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। इसका शुभारंभ सांसद कमला देवी पाटले ने किया। इस अवसर पर युवा आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष कार्तिकेश्वर स्वर्णकार भी मौजूद थे। चार दिनों तक चलने वाली इस स्पर्धा में कबड्डी, डॉजबॉल, हैंडबॉल को शामिल किया गया है। स्पर्धा में 14, 17 और 19 वर्ष की आयु के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। अब कुछ खबरें विस्तार से। कटघोरा मुंगेली कवर्धा डोंगरगढ़ रेल लाइन परियोजना का कल शिलान्यास किया जाएगा। इस अवसर पर कवर्धा में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल, मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित रहेंगे। इस परियोजना को पूरा करने में करीब 6000 करोड़ रूपये की लागत आएगी। इस रेल परियोजना के तहत 295 किलोमीटर रेल लाइन बिछाई जाएगी। इस परियोजना के पूरा होने से कटघोरा मुंगेली और कवर्धा क्षेत्र रेल मार्ग से जुड़ जाएंगे। इस परियोजना के शिलान्यास समारोह का आयोजन छत्तीसगढ़ रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड रायपुर और कबीरधाम जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना से बस्तर जिले के ग्रामीण अंचलों में रहने वाले परिवारों के अपना घर का सपना साकार करने में मदद मिली है। पेश है एक रिपोर्ट। जगदलपुर मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बिलोरी ग्राम पंचायत। यहाँ के बिलोरी गांव में रहने वाले गरीब परिवारों के लिए पक्के मकान में रहना किसी सपने से कम नहीं था, खास तौर पर सुकमती जैसी महिला के लिए। पति के देहांत के बाद सुकमती एक मिट्टी के टूटे फूटे मकान में किसी तरह गुजर बसर कर रही थी, लेकिन केंद्र सरकार की योजना के तहत अब सुकमती को अपना मकान मिल चुका है, जिसे वो काफी खुश है। मरना सुकमती में कोई लोग नहीं है, बेड़ा खड़ा कहीं चीनी नहीं। अरे मर को मर मुना सरना दिखा। ये अब तो पाटला टूटला घर है, ये भी अच्छा हुई ला। एकला रो है। तो पाटला घर है, सरकार पाटले घर मिला बनाई दी। बहुत चला सी। ऐसी ही कहानी ग्रामीण भारती बघेल की भी है। भारती के 5 लोगों का परिवार एक छोटी सी झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर था, लेकिन केंद्र सरकार की इस योजना ने इस गरीब परिवार की खुशियां लौटा दी हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले मकान में अब पूरा परिवार एक साथ रहता है। भारती बघेल है मेरा। हम लोग 6 3 भाई बहन है। एक टाइम मैं 11वीं पढ़ती हूँ, मेरा भाई एक टाइम चौथी पढ़ती है और एक जन तीसरी। और मेरे माँ काम पे जाती है, मेरे पापा भी मिस्त्री काम पे जाते हैं, दादी घर में रहती है। और हम लोग का घर पहले पानी से बहुत गिरता था, अब नया प्रधानमंत्री योजना के तहत। बिलोरी ग्राम पंचायत की सरपंच आसमती ने बताया कि योजना के तहत करकापाल, कोढ़ागुड़ा, कनगुलगुड़ा के लिए मकान स्वीकृत हुए हैं। हमारे ग्राम पंचायत में बहुत लोग गरीब थे और किसी का खूब लोगों का मिट्टी का घर मन था, किसी का पानी उनी गिरता था, तकलीफ खूब होता रहा। अभी हमारे सामने वो सुकमती है और क्या सहादेव एक है, उन लोगों का घर मन अभी मिला है प्रधानमंत्री आवास। अभी थोड़ा सा उन लोगों को सुविधा थोड़ा हो गया है, गैस मिला है अभी और लिस्ट में नाम सभी लोगों का अभी दिए हैं, जिसका जिसका एकदम गरीब है, मिट्टी घर वाले हैं, उनका नाम लिस्ट में दिए हैं। अब ये ग्राम स्वराज में अब दो एक सौ लोगों का अभी लिस्ट में नाम अभी फोटो ले रहे हैं, उन लोगों का अभी आने वाला है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले के अन्य क्षेत्रों में भी हितग्राही परिवारों को मकान देने का सिलसिला जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज रायपुर। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।